बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गांव गांव के हर आंगन का प्यारा साही दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार जोहार किसान भाइयों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियों के साथ हम आपके बीच पहुंच चुके हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं शशि। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खूंटी जिला के पशुपालक पशु आहार एवं चारा विकास योजना के तहत ले सकते हैं चारा कटर मशीन। लातेहार में डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है डेयरी उद्यमिता विकास योजना। फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा केतकी। अब समाचार विस्तार से। खूंटी जिला के पशुपालकों के लिए पशु आहार एवं चारा विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत अनुदान पर हस्तचालित और विद्युत चालित चारा कटर यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। हस्तचालित चारा कटर मशीन के लिए पशुपालक के पास 5 दुधारू पशु जबकि विद्युत चालित चारा कटर मशीन के लिए 10 दुधारू पशु होना जरूरी है। इन दोनों यंत्रों के लिए 50% अनुदान की सुविधा है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय खूंटी में 31 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। लातेहार जिला में दुधारू मवेशी पालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए डेयरी उद्यमिता विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड द्वारा अनुदान सह बैंक ऋण के आधार पर किया जाएगा। दुधारू पशुपालक इस योजना के तहत कुल 9 स्कीम से लाभ ले सकते हैं। इसमें सामान्य जाति के लाभुक को 25% और ST/SC लाभुक को 33.33% अनुदान दिया जाएगा। योजना से लाभ लेने के लिए जिला गव्य विकास कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस मौसम में बारिश और नमी की वजह से हरा चारा में फफूंद, जीवाणु या विषाणु के अंश हो सकते हैं। इससे पशुओं को दस्त होने लगता है और उन्हें भूख नहीं लगती, साथ ही उनका दूध उत्पादन घट जाता है। इसलिए पशुपालक भाई पशुओं को हरा चारा देने से पहले उसे धूप में जरूर सुखा लें। बरसात के मौसम में नमी अधिक होती है, साथ ही बारिश और धूप छांव के कारण सामान्य कीटों सहित सूक्ष्म कीटाणुओं को पनपने का अनुकूल माहौल मिल जाता है। इन्हीं सब कारणों से हरा चारा में भी फफूंद, जीवाणु और विषाणुओं के पलने की संभावना प्रबल हो जाती है। इसलिए हरा चारा को खेत से काट कर घर लाएं तो उसे विसंक्रमित करने के लिए धूप में अच्छी तरह सुखा लें। उसके बाद उसे संतुलित मात्रा में पशुओं को खिलाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होगा। हरा चारा देते समय सावधानी बरतना चाहिए बरसात के समय में कि हम थोड़ा सा उसको सूखा करके दें। अगर सूखा करके नहीं देते हैं, नमी रह जाती है और हम काटने के बाद उसको छोटा छोटा कर देते हैं, उसके बाद उसमें केवल भींगा रहता है। 2-3 घंटा रहने के बाद उसमें फंगल, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज वगैरह उससे आ जाता है जानवर में, जिससे क्या होगा, लूज मोशन करना शुरू कर देगा, दूध में कमी आ जाएगा और भूख मर जाएगा। इस सब पर कंट्रोल करना है तो हम सूखा चारा थोड़ा सुखा करके ही देंगे इसको, हरा चारा को। किसान भाई फूलगोभी की खेती के लिए अभी से लेकर सितंबर तक फसल लगा सकते हैं। मध्यकालीन फूलगोभी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पूसा हिमज्योति या पंत शुभ्रा लगाएं। फूलगोभी की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले वैसे खेत का चुनाव करें जिसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। बुआई में 800 से 900 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। इसमें कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 35 से 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मध्यकालीन गोभी से अधिकाधिक उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद पूसा केतकी, पूसा दीपाली, पूसा हिमज्योति या पंत शुभ्रा लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई वृक्षरोपण के लिए गड्ढा खोदने के काम में कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस उपकरण की सहायता से कम समय में, कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोद कर ज्यादा वृक्षरोपण किया जा सकता है।
आज हम जानेंगे भिंडी फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। किसान भाई, आप अपने भिंडी फसल वाले खेत में पक्षियों के बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। प्रति एकड़ की दर से 10 पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। पक्षी फसल में लगने वाले कीड़ों को मारकर खाते हैं, इससे फसल कीट मुक्त रहती है। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे सफल किसान से जिन्होंने नई कृषि तकनीक और प्रशिक्षण की मदद से अपनी उपज बढ़ाने में कामयाबी हासिल की है। आइए इनसे मिलते हैं। मैं आम और गम्हार पेड़ करीब 4 एकड़ जमीन में मैं कीबीके के अच्छा मतलब कि सलाह या तो उनका डायरेक्शन से मैं करीब 300 पौधा मेरा गम्हार का ये है जो खेत के चारों तरफ है, और 150 आम अभी मैं लगा चुका हूँ 2016 में, और अभी और 50 लगाने का विचार है। मैंने मैं 3 एकड़ में अभी आम डालने का कोशिश कर रहा हूँ। ये जितना भी हो रहा है ये कीबीके का ही गुड गाइडेंस से मैं ये कर रहा हूँ। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। हम बात करने वाले हैं तसर रेशम कीट की बीज उत्पादन की उन्नत तकनीक कौन कौन सी है और कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चलते हैं और लेते हैं जानकारी विशेषज्ञ से। जिस तरह खेती बाड़ी के लिए पुष्ट और निरोगी बीजों की जरूरत होती है, उसी तरह रेशम उत्पादन के लिए भी पुष्ट एवं निरोगी बीजों की जरूरत होती है। बीज अच्छा हो तो फसल अच्छी मिलती है। बीज के लिए नर एवं मादा शलभ के युग्मन के पश्चात जिंदा और बलिष्ठ कोकून का चुनाव करें। संक्रमित बीजों को हटा दें। बेहतर अंड जनन क्षमता एवं रोग मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु अंड निषेचन के लिए स्वस्थ मादा शल्बों का चयन करें। तजर संस्थान में बीज मतलब वो तितली का अंडा होता है, तो कोशों को कटाई के बाद वो उनसे मेल और फीमेल बाहर निकालती है, सो उसके उनके युग्मन के प्राप्त अंडे को बीज उत्पादन करते हैं। तो उसमें फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सेलेक्शन करने के लिए, तो कोशों का सेलेक्ट करना है। वो कोशों का सेलेक्ट करने के टाइम में तो जिंदा और बलिष्ठ कोशों का सेलेक्ट करना है। तो वो डिफेक्टिव काकुंस बोलता है, तो फ्लिमजी काकुंस, उजी इन्फेक्टेड काकुंस, वो येलो फ्लाई इन्फेक्टेड काकुंस, तो इसी तरह इन्फेक्टेड काकुंस जो है तो उसको निकालना है। तो बस बलिष्ठ और जिंदा काकुंस को सेलेक्ट करना है, तो ये फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। आदर्श बीजागार परिरक्षित करने के लिए कम लागत पर मिट्टी की दीवार एवं फॉल्स सीलिंग के साथ देसी खपरेल की ऊंची छत एवं घर बना लें। आदर्श बीजगार गृह 11x5 मीटर क्षेत्र का होता है, जिसमें 1 लाख बीज कोषों को रखा जा सकता है। बीजगार के चारों तरफ बरामदा बनाएं, जिससे बीजगार पर सूर्य की किरणों को सीधे गिरने से बचाया जा सके। ड्राइनेज के अंदर तो फॉर्मल्डिहाइड से वो फ्यूमिगेट करना है, तो फ्यूमिगेट वो दो और 3 दिन के बाद तो दरवाजे और खिड़की को ओपन करके रखना है, तो ठंडा हवा क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। बीजागार गृह एवं उसके आसपास 5% ब्लीचिंग पाउडर का घोल यानी 1 लीटर पानी में 50 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर बीजगार की सफाई करें। बीजागार को फॉर्मलिन एवं पोटेशियम परमैंगनेट से धूमन कर विसंक्रमित करें। धूमन के लिए 3 लीटर पानी में 2 लीटर वाणिज्यिक फॉर्मलिन एवं 500 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट मिलाएं तथा इसे बीजागार के अंदर चौड़े वाले बर्तन में उबालें। इसके साथ ही बीजगार घर के दरवाजे खिड़कियों को 48 घंटे के लिए अच्छी तरह से बंद कर दें। 5% ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन से सफाई करना है और 2% फॉर्मल्डिहाइड जो भी यूज करना है। बीज कोशों की माला तैयार करने के लिए नर एवं मादा कोशों को पृथक किए बिना इनको सूतली अथवा पटसन के धागा में बांधकर 5-5 कोशों का गुच्छा बनाएं। ऐसे बीज की माला जिसमें लगभग 100 कोसे होंगे बनाएं।
हर दो गुच्छे के बीच 2 से 3 इंच का अंतराल रखें। कोसों की मालाओं को बांस के फ्रेम या तार के सहारे परिरक्षण हॉल में इस तरह लटकाएं कि दो मालाओं के बीच 6 से 8 इंच तक मालाओं की दो कतारों के बीच 1.5 से 2 फुट की दूरी रहे, ताकि सुचारू रूप से हवा संचालन एवं गतिविधियां संपन्न हो सके। ठीक है, ओ इसमें दो चीज आएगा, तो बालिश और जिंदा ककुर और कोशों को सेलेक्ट करना है। ये आप देखा था है, ये बहुत नरम है, नरम है, तो ये वाला बहुत बालिश है, तो बालिश का कोशों को सेलेक्ट करना है। और ये कोशों जितनी वेट हो रहा है वो फीमेल हो रहा है, तो फीमेल तो मेल हो रहा है थोड़ा कम साइज और वेट हो रहा है, तो इससे हम आइडेंटिफाई हो सकते हैं। और एक गारलैंड बनाए माला बनाना है, वो माला में 100 ककुन सकता है, सो 5 5 5 ककुंस को बंच करना है। वो इसी तरह बंचेस 20 रखता है एक माला में, तो एक माला में तो टोटली हो रहा है 100 ककुंस। सो और एक माला से दूसरे माले का अंतर हो रहा है 15 to 20 centimeters। और एक रो और एक रो का माला का अंतर हो रहा है 45 to 50 centimeters। फर्श की सफाई को ध्यान में रखते हुए कोशों की माला को जमीन से 2 फीट ऊपर लटकाएं। बीजगार प्रक्रिया के दौरान बीजागार की खिड़कियों एवं दरवाजों पर खस की भीगी चटाई अथवा जूट के कपड़े को लटकाकर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 70 से 80 प्रतिशत सापेक्ष आर्द्रता बनाए रखें। ग्राइनेज में थोड़ा आइडियल कंडीशंस मेंटेन करना है, तो वो कोशों को प्रिजर्वेशन का समय में तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। सो इसमें 25 to 30 degrees centigrade को टेम्परेचर मेंटेन करना है, और 45 to 70 degrees percent रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करना। आमतौर पर जून जुलाई में शलभ बाहर आते हैं। नर मादा शलभ से 10 दिन पहले आते हैं, जिससे नर शलभ जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए तकनीक विकसित किए जा रहे हैं, ताकि अधिक कोष प्राप्त किया जा सके। वो फेवरेबल कंडीशन आता है, वो इमरजेंस का टाइम है जुलाई लास्ट वीक और जून फर्स्ट वीक में, तो मेल और फीमेल इमरजेंस स्टार्ट हो रहा है, तो वो जून लास्ट से जुलाई फर्स्ट से इमरजेंस स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें मेल फर्स्ट इमरजेंस होता है, तो 10 दिन के बीच में फीमेल इमरजेंस होता है, सो उसके ऊपर स्टडी हो रहा है, तो मेल और फीमेल सिंक्रोनाइज करने के लिए तो मेल वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो हमारा रेशियो होता है 60 to 40, बिकॉज मेल बहुत फर्स्ट इमरजेंस होता है तो बहुत वेस्ट हो रहा है, तो वो कंजर्व करने के लिए 60 to 40 मेंटेन कर रहा है। आदर्श बीजगार गृह में कोसा परिरक्षण से असामयिक शलभ निर्गमन एवं प्यूपा मृत्यु दर में कमी आती है, तथा उच्च स्तर सामयिक शलभ निर्गमन एवं जोड़ सुलभ होता है, जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में बीज उत्पादन सुनिश्चित होता है। अंतः किसान भाई, अगर बीज उत्पादन हेतु कोषों के परिरक्षण के लिए बीजागार, उसकी साफ सफाई, कोषों के स्वास्थ्य एवं विसंक्रमण पर ध्यान दे, तो उन्हें अच्छा बीज मिल सकता है। बात करने वाले हैं जैव कीटनाशक बनाने की विधि और उसका प्रयोग कैसे करेंगे, किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छी लाभ मिल सके, तो चलिए लेते हैं जानकारी विशेषज्ञ से। फसलों की अच्छी गुणवत्ता और अधिक उत्पादकता के लिए पिछले 2 दशकों में देश के कई राज्यों में फसल उत्पादन हेतु रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग किया जाता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वायु, जल एवं मृदा प्रदूषण में लगातार वृद्धि हुई है, साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी उसका प्रतिकूल असर पड़ा है। इसका सर्वाधिक सार्थक विकल्प है जैविक कृषि, जिसमें जैविक उर्वरकों एवं जैविक कीटनाशकों का उपयोग कर फसल उत्पादन किया जाता है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जैविक कीटनाशक है क्या। जैविक कीटनाशक जो हमारे आसपास जो उपलब्ध संसाधन हैं, जिसमें रसायन न हो, उनसे जो तैयार किया हुआ कीटनाशी है, वही जैविक कीटनाशी है या जैविक पदार्थ है। तो हम लोग विशेष तौर पर इस जिला के कृषक जो है पहले से ही जैविक ढंग से खेती करते आए हैं, लेकिन बीच के कुछ दशकों में फर्टिलाइज़र जो रासायनिक खाद है, रासायनिक दवाओं का उपयोग बढ़ा है, लेकिन आज जो आवश्यकता देखी जा रही है कि नहीं, जैविक उत्पाद की ज़्यादा आवश्यकता है, चूँकि जो रासायनिक खाद या रासायनिक कीटनाशक या पेस्टिसाइड के उपयोग से बहुत सारे जो है बीमारियां लोगों में, जानवरों में बहुत सारी बीमारियां आ रही है, साथ साथ हमारा पर्यावरण भी दूषित हो रहा है। पर्यावरण दूषित होने के साथ साथ हमारा जो मिट्टी है उसका जो उपजाऊपन है वो कम, धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो आज की जो आवश्यकता है वो जैविक की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जिस पर कृषि विज्ञान केंद्र गुमला
आज बहुत तेज़ी से काम करना शुरू किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग किसानों को जो बेसिक जो उनके यहाँ उपलब्ध संसाधन हैं उसके माध्यम से हम लोग कीटनाशी भी तैयार करवा रहे हैं, एक तरीके से जो है फर्टिलाइज़र का भी जो काम करे, उर्वरक का भी काम करे, उसको भी हम तैयार करवा रहे हैं। साथ साथ एक किसानों में है कि टॉनिक मतलब पोषक जो है तत्व ज़्यादा मिले, उसके लिए भी हम लोग टॉनिक का भी जो है यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। जीवामृत, बीजामृत, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र इत्यादि कई प्रमुख जैविक नाशी हैं, जिन्हें किसान भाई अपने घर एवं आसपास उपलब्ध संसाधनों से आसानी पूर्वक बना सकते हैं। जीवामृत बनाने के लिए पानी, गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ एवं किसी खेत अथवा बरगद के पेड़ के नीचे की उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। देखिए, जैसे हम लोग अभी जैविक कीटनाशी में हम लोग कई सारा बना रहे हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, इसके साथ साथ निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर शुरू कर दिए हैं, जिसमें हम लोग अभी जो देखें कि जीवामृत हम लोग बना रहे हैं। तो जीवामृत बनाने में हमको बहुत कम चीज़ों का आवश्यकता होती है, वो भी जो हमारे घर पे उपलब्ध है, उन चीज़ों से हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको जीवामृत को बना सकते हैं। जैसे हमको मान लिए कि 200 लीटर पानी हमको प्रति एकड़ के लिए 200 लीटर जीवामृत की आवश्यकता होती है। जीवामृत बनाने के लिए पानी, गोबर, गौमूत्र, बेसन, गुड़ इत्यादि को आवश्यकता अनुपात में मिलाने के पश्चात इसे किसी जालीदार कपड़ा अथवा मच्छरदानी से ढक दें। मक्खी एवं मच्छरों के लार्वा पनपने पर इसका सही लाभ नहीं मिल पाता है। जीवामृत में जो है पहला चीज गोबर, 200 लीटर पानी, गौमूत्र लगभग 5 से 7 लीटर गौमूत्र, लगभग हाफ केजी से लेके 700 ग्राम तक हमको चाहिए बेसन। बेसन का मतलब यह नहीं चना का ही बेसन, जो भी आपके पास दलहन है उससे उपलब्ध जो भी उसका जो है बेसन मिल सकता है वो आप यूज कर सकते हैं। लगभग आधा 1 केजी से लेके 1 केजी लगभग गुड़ चाहिए, गुड़ हो या गन्ने का जूस भी हो सकता है 1 से 1.5 लीटर, इसका हम लोग जो है इसमें उपयोग करते हैं। इसके साथ में हमको चाहिए कि कहीं पे जो उपजाऊ मिट्टी कहाँ मिलेगी, जैसे बरगद का हमारा पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के नीचे बहुत ही रिच मानी जाती है, उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा होते हैं, माइक्रोब्स लोड बहुत ज़्यादा होता है, या अगर वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे खेत जो हमारे अच्छे खेत हैं उनके जो मेड़ है उनके किनारे की एक मुट्ठी जो है मिट्टी चाहिए। कुल मिला के हमको 200 लीटर पानी, लगभग 5 से 10 केजी गोबर ताज़ा, 10 लीटर 5 से 7 लीटर या 8 लीटर तक चाहिए गौमूत्र चाहिए ताज़ा, इसके साथ में हमको चाहिए 1 केजी बेसन, 1 केजी गुड़ चाहिए और मिट्टी चाहिए, इतना ही चीज़ हमको चाहिए। इसको क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे पानी में। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको किसी जो है जालीदार कपड़ा से या मच्छरदानी से हम लोग ढक देते हैं कि उसमें मक्खियां नहीं बैठने, मक्खियां बैठेंगी तो उसमें अंडा देंगी तो क्या होगा कि उसमें अदर जो है कीटाणु पैदा होने लगेंगे जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है। इसे मिलाने के बाद सुबह शाम घड़ी की सुई की दिशा में 5 से 7 बार घुमाएं। जीवामृत 5 से 7 दिनों में तैयार हो जाता है। 100 लीटर पानी में 3 लीटर जीवामृत मिलाकर खेत में छिड़काव करें। बनाए गए जीवामृत को 14 से 15 दिनों तक ही उपयोग में लाएं। ये लगभग प्रक्रिया हम 5 दिन करते हैं, तो 5 दिन करने के बाद हमारा जीवामृत तैयार हो गया। लेकिन अच्छा जीवामृत जिसमें ज़्यादा माइक्रोब्स हो वो लगभग 7 से 10 दिन में तैयार हो जाता है। 7 से 10 दिन हम अगर तैयार हो गया तो इसको हम उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट हम यूज करना चाहते हैं तो हम क्या है कि 200 लीटर एक एकड़ में हम चाहे किसी मग से या किसी तरीके से अपने पूरे खेत में फैला दें, या अगर हमको स्प्रे करना है तो हम क्या करेंगे, 100 लीटर में 3 लीटर जीवामृत मिला के हम स्प्रे करेंगे तो दो काम करेगा, एक तो वो फर्टिलाइजर काम करेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी काम करेगा, दूसरा क्या काम करेगा कि वो जो उसमें कीटाणु हैं और कुछ उसमें क्या है कि बहुत सारे जो है फंगस भी डेवलप हो जाते हैं, वो क्या करेगा कि एक तरीके से कीटनाशी एवं जैविक फंजी साइट का भी काम करता है, तो इस तरीके से हम स्प्रे कर सकते हैं। जैविक कीटनाशक कई मायने में किसानों के लिए विशेष लाभकारी है। जैविक कीटनाशक के उपयोग से किसानों का आर्थिक बोझ कम होता है, इसका उपयोग सुगम है, इससे पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकता है, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाई जा सकती है और मानव स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जब हम किसान भाई हम देख रहे हैं, किसान भाई हम लोग भी अपना रिसर्च कर रहे हैं कि धीरे धीरे हमारे जो हमारी ज़मीन है इसकी उपजाऊ क्षमता जो है कम होती जा रही है, पर दिन प्रोडक्टिविटी जो है घटती जा रही है,
इसको सस्टेनेबल मोड में लाने के लिए कि टिकाऊ कैसे होगा, टिकाऊ लाने के लिए हमको जैविक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है। ये हमारी आज की नीड है, आज की आवश्यकता है। जब हम जैविक की तरफ बढ़ते हैं, हमारे जो मिट्टी है इसे माइक्रोब्स, जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं या लाभदायक जो फंगस हैं जिसको फफूंद बोलते हैं, उनकी बहुत कमी हो गई है। कमी क्यों हुई कि हम बहुत सारा वीडिसाइड डाल रहे हैं, हम रासायनिक खाद डाल रहे हैं, हम उसके बाद दवा डाल रहे हैं, ये सारा डालने के बाद इनकी संख्या बहुत कम हो गई। जैसे आप देखते होंगे केचुआ आपको कहीं दिखाई नहीं। विगत कुछ समय से शहरी क्षेत्र में जैविक खेती से उगाए जाने वाले खाद्यान्नों, फलों एवं सब्जियों के काफी मांग बढ़ी है। ऐसे में जैविक खेती से किसान भाइयों को आर्थिक लाभ मिलेगा। अगर हम जैविक खेती करते बढ़ेंगे तो क्या होगा कि आने वाले 3-4 साल में हमको जो प्रोडक्शन मिलना चाहिए वो भी मिलने लगेगा, हमारा जो वातावरण है वो भी शुद्ध होगा, हमारे जो किसान भाई हैं जो भी उसको खाता है, किसान भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं वो भी खाते हैं, उनकी भी पॉपुलेशन डाउन होते जा रहे, इससे क्या होगा कि पूरा पर्यावरण हमारा बैलेंस होगा। दूसरा चीज़ क्या है कि आने वाले दिन में हर लोगों का डिमांड क्या है कि हम जैविक उत्पाद को खरीदें। हम पैसा खर्चा करें तो पैसा कहाँ खर्चा करें, जहाँ पर जैविक उत्पाद मिल रहा है वहाँ पर लोग, रिलायंस में क्यों जाता है, रिलायंस में लोग इसलिए जाता है कि वहाँ लोग बोलता है कि नहीं जैविक उत्पाद है, एक ही जैविक उत्पाद बगल में जो रासायनिक रूप से तैयार किया हुआ है वो 40 रुपये में बिक रहा है, जैविक से तैयार हुआ है वो 80 रुपये में बिक रहा है। तो ये चीज़ें हैं आज के दिन, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम किसान भाइयों को सलाह भी देते हैं कि किसान भाई छोटी छोटी चीज़ क्या है, जैविक कुछ नहीं है, आपके पास पहले पूर्वज करते आया है उसी चीज़ को फिर से हमको रिपीट करना है, कुछ नहीं है, सब हम करते आए हैं आगे भी करेंगे। वर्तमान परिवेश को देखते हुए मृदा को प्रदूषित होने से बचाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि मृदा की उर्वरा शक्ति का नुकसान न हो। फसलों का उत्पादन लेने एवं टिकाऊ खेती के लिए जैविक उर्वरकों तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो रहा है। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि मिली हुई जानकारियों का आप लाभ लेंगे, लेकिन आज का अंक आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें खत लिख सकते हैं। तो नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा के निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। किसान भाइयों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।